सभी दोस्तों और मित्रों को नमस्कार, राम राम। आप देख रहे हैं रावजी डेयरी फार्म और मैं गौरी शंकर। आज हमारे जो किसान मित्र हैं गाय लेने के लिए कहां से पहुंचे हैं तो उनसे बातचीत करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले वीडियो के माध्यम से आपको थोड़ा सा मैं हाईलाइट दिखा दूं कि इन्होंने जो ये गाय खरीदी है 6 गोवंश कहां जा रही है और कहां के किसान भाई, उसके बारे में डिटेल और जानकारी मिलेगी आपको। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक आप जरूर देखिए। और जो भी किसान मित्र आपके अपने चैनल पर पहली बार आए हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, तो वो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के अगर वीडियो अगर आप सब्सक्राइब करके रखते हो तो आने वाली वीडियो की जो नोटिफिकेशन है या फिर आने वाली वीडियो के अंदर जो गोवंश की वीडियो रहती है तो उसकी जानकारी आपको मिलेगी सबसे पहले। तो आज की करते हैं वीडियो को स्टार्ट और करते हैं भाई सबसे बात। तो भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी, अपना नाम और एड्रेस बता दीजिए आप। पहले भाई साहब जूनागढ़। जी, जूनागढ़ से। जूनागढ़ मतलब गुजरात। गुजरात जी। और अभी जो आपने जो गाय खरीदी है ये, तो कितने गाय खरीदी आपने? 6 गाय आपने ली है। और 6 गाय खरीदने के बाद में जो आपको लगा, या फिर आपके बारे में बात करूं गाय के बारे में, तो आपके पास पहले कितनी गाय है? 3-4 गाय रखी हुई है। अभी आपने यह डेयरी फार्म स्टार्ट कर रहे हो या फिर घर के लिए ही ले रही हुई है? डेयरी फार्म की स्टार्ट कर रहे हो। तो आपके वहाँ पे दूध की बात करूँ, दूध क्या रेट है? 50-60 रुपये समथिंग दूध है। तो अभी जो आपने गाय खरीदी, आपको क्या आइडिया, क्या अनुमान है कि कितना दूध दे सकती है? 15-20 लीटर दूध देगी। आपकी दिल को संतुष्टि है, गाय आपने देख के खरीदी है? हाँ। इतना दूध तो आराम से लगभग ये दे ही देगी। हाँ। या पहले बार नंबर पे आप जो गाय देख रहे हो, इसकी आपका क्या आइडिया अनुमान लगता है कि पहले ब्यांत के अंदर रही है तो कितना दूध दे सकती है? 15 लीटर लगभग मान के चलो, आराम से दे देगी, क्योंकि ब्रीड करेक्टर अच्छे है, क्वालिटी अच्छी है इसकी। अगर क्वालिटी है, या पर अगर मैं बोलूँ ब्रीड है, तो ब्रीड ने दूध देना है। और जिसकी ब्रीड अच्छी है, पर आप भी जैसे गुजरात से हो तो आपके वहाँ पे जैसे कि गिर गाय फेमस है, तो जिसकी ब्रीड अच्छी है वो 20-22 लीटर तक भी दूध दे रही है। तो इसी तरह अगर बात करें अपने, तो आज इसके अलावा भी आपने कोई गाय खरीदी है? आप साई वाली खरीदी है, तो यानी कि 6 गाय ही जाएगी आपके वहाँ पे। और इसके साथ में अगर बात की तो वहाँ पे रखने करने की आपकी क्या फैसिलिटी रखी है आपने? शेड वगैरह बनाया है या फिर? क्योंकि गाय की अगर दूध पे बात आती है तो दूध गाय तभी देती है, जैसे कि आपने देखा हमारे नीचे क्या है, इसको कच्चा रखा हुआ है। हाँ। ठीक है ना। और छत भी आप देख रहे हो, छत भी इसकी कच्ची है। हाँ। लगाने के लिए इसके अपने लेंटर भी लगा सकते हैं। हाँ। खर्चा लगभग सेम ही पड़ता है इसका। हाँ। पर जो मिल्किंग कैपेसिटी है उस पर थोड़ा सा इसका जरूर असर पड़ता है, क्योंकि अगर आपने ये पंखे बंद भी कर दें तो पंखे बंद करने के बावजूद भी इसका जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल रहेगा। तभी बोलें जो भाई हो रही वीडियो देख रहे हैं, खास उनके लिए भी रहेगा कि जब भी इसके लिए पशुओं के लिए अगर आपने छात लगा रहे तो वो कच्ची ही छात होनी चाहिए। ठीक है ना। तो एक बार अपना नाम और एड्रेस फिर से बता दीजिए। और अगर मैं बात करूँ इस गाय जो आपने खरीदी है, किस रेट से खरीदी, थोड़ा सा ये अपने व्यूअर्स को जरूर बता दीजिए। 60,000 के इस भाव से आपने 6 गाय खरीदी है। ठीक है। तो दोस्तों इन्होंने 6 गोवंश खरीदी है। आपने वीडियो के माध्यम से पहले भी देखा, थोड़ा सा मैं आपको और दिखा दूँ कि ये जो गोवंश है 60,000 रुपये के हिसाब से अभी इन्होंने 6 गोवंश खरीदी है। तो ये गाय है जो जूनागढ़ जाएगी और इन भाई साहब ने खरीदी है। तो भाई साहब इसके साथ ही लेते हैं आज्ञा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय गो माता।